केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बुधवार यानी कि आज 24 नवंबर को 5000 करोड़ की लागत से जम्मू संभाग में 25 हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसका मुख्य कार्यक्रम डोडा में होगा, जिसमें ई माध्यम से परियोजनाओं की आधारशिला केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और सांसद जुगल किशोर शर्मा की मौजूदगी में रखी जाएगी। गडकरी के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल रिटायर्ड वीके सिंह भी जम्मू पहुंचे। उन्होंने दौरे के साथ आपको बता दें कि अन्य व्यवस्थाओं के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की। और ऐसे में बता दें कि वीके सिंह को सड़क और भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव शैलेंद्र कुमार के अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय अधिकारी रोहिन गुप्ता और NHIDCL के कार्यकारी निदेशक परियोजना रितिन कुमार सिंह और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के ने कई परियोजनाओं पर चल रहे निर्माण कार्यों के वर्तमान दर्जे भी उनकी जानकारी दी। तो ऐसे में 5000 करोड़ की लागत से ये 25 हाईवे बनने जा रहे हैं, जिसकी आज नितिन गडकरी आधारशिला रखने वाले हैं।